वो तो बिल्कुल गलत है, वो तो मीडिया वालों ने बनाया हुआ है। जो लोग नशा करते हैं, ड्रग्स को बेचते हैं, ये उनका सबका बिछाया हुआ एक जाल ही है ड्रग्स को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि गुरुजी ड्रग्स वगैरह को रोकते हैं और जो भी लोग गलत काम करते हैं उनको, उनका ही ये चाल चली हुई है कि हमारा काम रुक ना जाए, ड्रग्स का काम और वैश्यवृत्ति का काम ये ना रुक जाए, इसलिए उन्होंने गुरुजी को ऐसे फंसाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, प्रीति शर्मा द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। डेरा सच्चा सौदा वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में जानने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लोगों से सवाल करते हैं कि आज लोगों का उनके बारे में क्या कहना है, क्या है रियल फैक्ट वहां के, ये हम लोगों से सीधी बात करके जानेंगे क्या कहते हैं आज लोग उनके बारे में। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्वालिफिकेशन क्या है? I'm MSc MEd। वेल एजुकेटेड हो। जनता के सामने आज हम बात कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, गुरु जी के बारे में, क्या कहना चाहोगे? आपके क्या विचार हैं इस संस्था के बारे में, किस तरह की संस्था है ये? एक बहुत एक समाज से भी संस्था है और एक धर्म से भी जुड़ी हुई है, और ये कोई एक धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों का, जैसे हिंदू, सिख, मुसलमान, सारे तरह के, ईसाई, सारे तरह के लोग यहाँ पे आते हैं। और गुरु जी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, जैसे लड़कियों को पढ़ाओ, जैसे और सभी धर्मों की इज्जत करो। और डेरा सच्चा सौदा कोई अलग धर्म है क्या है? नहीं, ये कोई अलग धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों से ही जुड़ा हुआ है, सभी धर्मों के लोग यहाँ से यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत अच्छी यहाँ से यहाँ पे शिक्षा मिलती है हर तरह। जैसे गुरु जी ने सफाई अभियान चलाए हुए हैं, वैश्यावृत्ति में जो लड़कियाँ उलझी हुई हैं, लिपटी हुई हैं, उनको भी वहाँ से निकाला जाता है। किन्नर्स को भी यहाँ पे सहारा दिया जाता है, जैसे किन्नरों को आजकल कौन सहारा देता है, तो उनको भी यहाँ पे सहारा, आश्रम, मतलब आश्रय दिया जाता है। और जो गुरुजी हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं, वो किस धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? वो मेनली सारे, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि सारे धर्मों को ही एक माना जाता है यहाँ पे। ये इंसान जो हम अपने नाम के साथ भी लगाते हैं, ये एक इंसान, एक हम अपने नाम के साथ लगाते हैं इंसान, मतलब सारे एक ही इंसान ही है, इंसान ही एक धर्म है, इंसानियत ही एक धर्म है। ये हिंदू मुसलमान, इनको कोई धर्म नहीं माना जाता, एक इंसानियत को ही धर्म माना जाता है यहाँ पे। एक सवाल जो मोस्टली लोग करते हैं, आप वेल एजुकेटेड हो फिर भी आज आप गुरुजी के फेवर की बात कर रहे हो। जी हाँ, क्यों? वेल एजुकेटेड लोग यहाँ पे बहुत आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैं भी एक टीचर हूँ, जो मैंने जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। गुरुजी की प्रेरणा पे चल के ही मैंने अपनी पढ़ाई की है, उनकी प्रेरणा से ही मेरे को ये नौकरी मिली है, उनके आशीर्वाद से ही मेरे को ये नौकरी मिली है। बहुत सारे मुझसे भी ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग आते हैं, बाहर से, फॉरेन से भी यहाँ पे लोग आते हैं, गुरुजी पे इतना विश्वास करते हैं लोग। रियलिटी क्या है डेरा सच्चा सौदा के माहौल की? रियलिटी यही है कि वहाँ पे तो बहुत बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है, सारा दिन वहाँ पे सेवा चलती है, मतलब गुरुजी खुद भी अपना काम अब खुद करते हैं, हमें भी यही प्रेरणा देते हैं कि खुद अपना काम करो और सच के राह पे चलो। ये लड़कियों को लेकर कैसा? लड़कियों को वहाँ पे तो देखो, अगर लड़के और लड़की बिल्कुल अलग अलग है, वहाँ पे सब कुछ अलग है, बैठते भी अलग हैं, अगर वहाँ पे रहना है बिल्कुल भी, चाहे वो भाई बहन ही है, उनके अलग अलग रहने के लिए बना हुआ है। गुरुजी का व्यवहार, नेचर किस तरह का है? गुरुजी हमारे लिए जैसे पिता की तरह है, पिता समान है, जैसे बड़ी बड़ी जैसे लेडीज भी है वो भी गुरुजी को पिताजी ही बोलती हैं, सबके लिए पिताजी हैं वो। जो उनके ऊपर इस तरह के अभी कंट्रोवर्सीज केसेस चल रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सारे मेरे मतलब गलत हैं, जैसे हमें तो पूरा विश्वास है गुरु पर, गुरुजी पर जी। और ये जो केसेस चल रहे हैं ये जल्दी गुरुजी को इनसे, सच की हमेशा जीत ही होती है, गुरुजी को जल्दी ही इनसे निकाला जाएगा। हम सारे भी गुरुजी पे पूरा पूर्ण विश्वास करते हैं और ये मतलब सच साबित होकर ही रहेगा, आखिर में सच की जीत ही होगी जी जी। एक तरफ आप उनके फेवर में जो बात कर रहे हो, क्या आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव जा
मतलब क्यों आप उनकी फेवर की बात कर रहे हो आज के साथ? बिल्कुल भी नहीं, दबाव कैसे हो सकता है, हमें खुद को विश्वास है। गुरुजी, बचपन से ही मैं गुरुजी के वहाँ आश्रम में जाती आ रही हूँ, अभी अभी इतने साल हो गए, 30 साल हो गए मेरे को वहाँ जाते हुए। बिल्कुल बचपन से, जब मैं जन्म से ही मेरे पेरेंट्स मेरे को वहाँ लेके जाते थे, और बिल्कुल मेरे को पूरा विश्वास है गुरुजी पर, मैं किसी दबाव के मतलब अंडर नहीं ये बोल रही हूँ। एक जो अहम सवाल लड़कियों के लिए आज के सोसाइटी में चल रहा है, लड़कियों के ऊपर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं, निर्भया कांड की बात करें, जहाँ अगर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की बात करें, मतलब इतना गलत उनके साथ हो रहा है, फिर उनको जला दिया जाता है, ऐसे कुकर्म जो उनके साथ हो रहे हैं, ऐसा कुछ जो किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? इसके मुख्य कारण यही है कि आजकल एक तो बच्चों में मॉरल एजुकेशन की कमी है, और जैसे अगर गुरुजी जैसे हमारे समाज में समाज सेवी हों गुरुजी जैसे, तो उनको बहुत अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़रूरत है हमारे समाज में, मॉरल एजुकेशन की। मेन यही है कि बच्चों में आजकल मॉरल एजुकेशन की कमी है, इसके कारण ये सब हो रहा है। गुरुजी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं इस सोच को चेंज करने के लिए, यूथ को लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट में लाने के लिए कुछ किया है? हाँ, गुरुजी ने बहुत कुछ किया है। जैसे गुरुजी ने काफ़ी लड़कियों के लिए वहाँ पे भी, जो लड़कियाँ अनाथ होती हैं वहाँ पे भी एक खोला हुआ है गुरु ने, सॉरी अपनी बेटियाँ ही बना के रखा हुआ है गुरुजी ने एक आश्रम की तरह। वहाँ पे उनको पढ़ाई भी करवाते हैं, उनको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। जैसे स्कूल्स भी वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी वैसे एजुकेशन दी जाती है, उसके साथ साथ मॉरल एजुकेशन भी दी जाती है। अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं वहाँ पे स्कूल्स में, जो गुरुजी खुद भी सिखाते हैं, खुद गुरुजी आते हैं वहाँ पे, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं उनको। तो इसके लिए गुरुजी काफ़ी कर रहे हैं। क्या सोसाइटी को ज़रूरत है गुरुजी की? सोसाइटी को तो बहुत ज़रूरत है गुरुजी जैसे गुरु की, ताकि उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। और जैसे गुरुजी चला रहे हैं, जैसे सफाई अभियान चला रहे हैं, और लड़कियों के लिए, किन्नरों के लिए, वैश्याओं के लिए, तो सबको सबके लिए गुरुजी बहुत अच्छे गुरुजी ने कदम उठाए थे। तो ये सबको दूर करने के लिए, वैश्यावृत्ति वगैरह को, तो गुरुजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं गुरुजी समाज में नहीं है, तो क्या इफ़ेक्ट आया उनका ना रहने से? उनके ना रहने से यही है कि समाज सेवा के जो काम पहले बहुत अच्छे चल रहे थे, वो चल तो रहे हैं अभी, पर अगर गुरुजी होते तो ये और भी जोरों शोरों से और कुछ नए कदम उठाए जाते शायद, और कुछ नए काम होते इस मतलब इस सब को दूर करने के लिए। ये जो हो रहे हैं, जो ये गैंग रेप वगैरह हो रहे हैं, तो इनके लिए अगर गुरुजी होते तो बहुत ही गुरुजी ने हेल्पफुल कदम उठाने थे बहुत ही। सरकार से अपील क्या करोगे? सरकार से यही अपील है कि गुरुजी को जल्दी रिहा कर दिया जाए, और ताकि हमारे समाज में आके फिर से वही काम चल सके जैसे पहले चल रहे थे। थैंक यू सो मच। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा का सेंटर, डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जी इंसा का, हमारे साथ पंजाब से एक टीचर ने आकर आपके सामने रखा क्या है रियल फैक्ट। आप लोग भी खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।